ये पास्ता की दूसरी लेयर है जिसमें चीज़ ही चीज़ है, बस कमाल हो गए। ये अब देखें तैयार हो गया। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज दोपहर को बेगम से बनवाया मूली का पराठा। काफ़ी अरसे बाद मूली का पराठा, क्योंकि बड़ा पसंद था मुझे, और मूलियों का मौसम नहीं होता तो आजकल मौसम आया हुआ है, मतलब पहले नहीं था, तो मैंने उसे कहा कि वो बनवाओ। तो ये देख सकते हैं आप, भरा हुआ है बेहतरीन। हाँ जी, कौन सा पराठा? जो आपने कहा था मूली का। मूली का? अच्छा मैंने कहा था? नहीं, हमसायों ने कहा। मैंने कहा था। अच्छा मैं सारा खा के भी तारीफ करूंगा, मैं पता लग जाऊ तो कोई मसला बजा कमी नहीं। अभी तक ठीक है, अब बाल वगैरह मेरे उजड़े हुए हैं। बेगम कह रही है अभी बाल उजड़े कमी की नहीं, सो के उठाऊ और पराठा खा रहा हूँ। खैर लोग देख लें, रियल चीज, रियलिटी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम बाहर बैठे हैं, हवा चल रही थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी, और ये शेर साहब जो हैं वो देखें इसको के उठे हैं, स्कूल से भी आए हैं, और मनो रो रही है। मनो आप क्यों रो रही है बेटा? मनो रो रही है, मनो की मनो नहीं, मनो नाराज है। मनो मनो देखो, मनो नाराज है भाई, मनो सो के उठी है, रो रही है, और नाराज़गी क्या है वो नहीं बताती। बुची कर लो, बुची तो कर लो, बुची कर लो, नहीं करने। मनो बहुत नाराज है भाई। और शेर साहब आप तो नहीं नाराज, ठीक है, तुम जाके मुँह हाथ दो, सो के उठा, कंगी शंगी करो, कंगी शंगी करो, बाल उड़े हुए हैं देखो, लोगों को दिखा रहे हो, मौसम इतना प्यारा। जो मनो को जो है वो अम्मी ने कह दिया कोकोमो, ठीक है, ये कितने की? 5 रुपए की कोकोमो है, और इस कोकोमो में पहले 5 होती थी, और अब इसमें पहले फिर 4 हो गई, अब देखते हैं इसमें कितनी है, ठीक है। महंगाई के असरात चेक करते हैं ना बच्चों की, कोकोमो भी कम हो गई है। मिफ्ता इस्माइल जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, हाँ वो इसके ऑनर हैं, ठीक है, और बहुत गरीब हो गए बेचारे, रोटी भी पूरी नहीं होती मिफ्ता की, इसीलिए उन्होंने ये कोकोमो, ये देखें इसमें से कितनी निकली हैं, 1, 2 और 3, देखें 3 कोकोमो निकली हैं इसमें से, 3 मानो, ये 3 कोकोमो ले लो आप, ले लो भाई। ये जी सुबह की चाय आ गई है, सुबह की नहीं सॉरी, लोडे वाले की, लोडे वाले होता है ना, मतलब है शाम से पहले, रात से पहले 5 बजे की, और साथ ये निम्को है, तो मैंने कहा चले वो कोकोमो खा रहे हैं 3, तो मैं जो जाए वो एक साथ कबाब है, ठीक है, मैं ज़रा कबाब शबाब खा देता हूँ, ठीक है। क्या मैं हाथे कबाब खा रहा था, तो बेगम ने कहा कि नहीं तरीके से खाएं, खाती है ना मुझे, क्या करें, और मैं बेचारा डरता रहता हूँ। चले कोई बात नहीं, मानो जरा हाथ से खाने का मज़ा आता है ना, की हो गया, खैर है ना, क्या है मसला, है मसला, हर चीज़ में हाँ हाँ कर रही, बड़ी शरीफ हुई, रात को बड़ा तंग आ रही थी, हैं लो जी किचन में आ गए हैं। मकरोनी आप देख सकते हैं उबल चुकी है, ये शिमला मिर्च भी कट चुकी है, और बनना है अब पास्ता बेहतरीन, लदानिया स्टाइल का नहीं होता जो वाइट सॉस चीज़ी। चिकन तैयार हो गया, और चिकन जो है ना ये आप इसके अंदर तंदूरी चिकन तिक्का मसाला डाला, और कुटी मिर्च और ये सारा कुछ खा के देखते हैं, और शिमला मिर्च वगैरह, ये बड़ा ज़बर स्पाइसी सा चिकन बनाया है, और पास्ता बड़ा वैशी बनने वाला है, देखते हैं आप, दिखाते हैं आपको। ये चीज़ें तैयार हैं, अब वाइट सॉस की तरफ चलते हैं। वाइट सॉस जो है ना ये देख सकते हैं आप, ये दूध की, ये दूध है खालस,
खालस दूध ना, मिलावट वाला नहीं। और इसके अंदर डाल रहा है मैदा, लेकिन इससे पहले इसमें डाला वो मैं आपको दिखाया नहीं, बटर। अच्छा जी, बटर यानी कि जिसको उर्दू में हम मक्खन कहते हैं, वो इसमें डाल के दूध में इसको पकाया है। और उसके बाद इसमें जो है वो मैदा डाल के तो ये वाइट सॉस बनानी है, और साथ ये आपने इसको इस तरीके से हिलाते रहना ताकि गुठलियाँ ना बने, क्योंकि वो टेलियाँ सी बन जाती हैं ना, तो वो ना बने। और ये इस तरीके से हिला के उसके बाद इसको जब तैयार होने वाला हो जाएगा, इसमें स्पाइसेस आएंगे, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ओरिगैनो, और सबसे मेन चीज़ जो इसमें है ना वो है जी चीज़। चीज़ मतलब चीज़, चैडर चीज़, जो बड़ी महंगी हुई है आजकल। ये देखें जी, चैडर चीज़ आ गई। और ये डालनी है तुन के डालनी पड़नी, मतलब वावे डलती है इसमें, ठीक है। तो फिर वो ये थिक भी हो जाता है और चीज़ी सा, स्टिकी सा, बड़ा स्वाद आ जाता है। तो ये डाल रही है जी इसमें चीज़, और फिर ये इसको डालेंगे हम नीचे। ये देखें, लेयर लगा देंगे इसको ट्रे में लेयर लगा के ऊपर मकरोनी आ जाएगी, वो जो बॉयल की थी, ठीक है। वाइट सॉस नीचे डाल दी है, ऊपर भी आएगी, टेंशन नहीं लेनी। और इसकी 2-3 लेयरें लगनी, वाइट सॉस की, चीज़ की, चिकन की। और ये भी देखते हैं, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले वाइट सॉस आई, उसके बाद मकरोनी आई, अब उसके ऊपर ये आएगा जी चिकन। और चिकन जो है वो तैयार किया था मैंने, बताया था आपको, चिकन तंदूरी मसाला के साथ। अच्छा, वो बड़ा स्पाइसी और बड़ा ना, क्योंकि उसमें वो कुटी मिर्च और ये ओरिगैनो वगैरह इसमें भी डाला हुआ है। ओरिगैनो से ज़रा वो टेस्ट आता है, वो पिज़्ज़ा स्टाइल का ना, लज़ानिया पिज़्ज़ा, तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, बाहर आ लिया, मेरा तो अभी भूख से बुरा हाल हो रहा है। ये चिकन को ऊपर फैला फुलू दिया भर के, अभी ये पहली लेयर है, अभी दूसरी भी लगेगी ये, लेकिन अभी पहली लेयर कम्प्लीट नहीं हुई, अभी इस पर काफ़ी चीज़ें आएँगी। अभी देखें, चिली गार्लिक सॉस आ गई, ठीक है, चिली गार्लिक सॉस डाल के, क्योंकि ये खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है इसका। इसके ऊपर जो है वो जाएगा जी, क्या कहते हैं, चिली सॉस जो ये चाइनीज़ में नहीं यूज़ करते आप सोया सॉस के साथ, वो वाली चिली सॉस, ठीक है, वो थोड़ी सी डालेंगे। इसके बाद आएगी जी कैचअप भी डलेगी, थोड़ी सी मिठास देने के लिए कैचअप भी जाएगी, सॉसी सा बनता ना। अच्छा जी, कैचअप गई, अब बताऊँ क्या जाएगा। अब इसमें जाएगा जी मेरे ख्याल से चीज़, जाने तो चीज़ ही चाहिए, क्योंकि असल काम वही है, प्लेट भर के चीज़ जा रही है। बस वाह जी वाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितना शुक्र अल्लाह का करें कम है, खुदा का महज फजल है, शुक्र है कि ये ऐसे वधिया वधिया खाने खाने को मिलते हैं, तो जब खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। और बेगम साहबा ने मेहनत की है, थैंक यू बेगम साहबा। बाकी ये है कि बड़ा स्वाद आने वाला, मुझे पता लग रहा है, अभी तो पहली लेयर कम्प्लीट नहीं हुई, अभी इसकी 2 लेयरें लगनी हैं। और फिर इस तरह के जो ये आप देख रहे हैं, ये ट्रे जो हैं, ये 2 ट्रे बनेंगी, और ये 2 ट्रे जाएंगी ओवन में, फिर वो ओवन में बेक होगा। ये आप देख सकते हैं, ये वाइट सॉस फिर आ गई, ठीक है, वाइट सॉस कहती मैं फिर आना। अब इसको वाइट सॉस से धोधा दिया जाएगा, मतलब भर दिया जाएगा ट्रे को, ताकि फुल सॉसी जूसी बने, ठीक है, उसका स्वाद तभी आता। अब ये जो है ना, 1 लेयर कम्प्लीट हुई है। अब इसी तरीके से सेम दोबारा ये सारा प्रोसीजर करेंगे, मैं दिखाता हूँ, और सेम ये सब कुछ डाल के तो दूसरी लेयर बनेगी, और यानी कि फुल हैवी मोल बनना काम, ठीक हो गए। ये अब देखें, दोबारा मकरोनी आ गई, अब ये मकरोनी उसी तरीके से दोबारा डाल के वाइट सॉस के ऊपर, अब फिर इसके ऊपर मेरा ख्याल चिकन आएगा। ये देखें जी चिकन, हाँ, चिकन नीचे भी अच्छा खासा था, ऊपर भी आ गया, ताकि कहीं कोई बाइट रह ना जाए चिकन के बगैर, और उसके बगैर स्वाद आ जाए एक दफ़ा, हैं जी। ये जो इसकी क्या कहते हैं, असम्बलिंग हो रही है ना, ये बेसिकली पास्ते की असम्बलिंग हो रही है, अभी ये मशीन में जाएगा, फिर वहाँ बेक होगा, फिर बेक हो गई शक्ल आएगी, वो बकरी ज़बरदस्त होगी। अब इसमें दोबारा कैचअप शैचअप डालते हैं, चिली गार्लिक, ये देखें ये चिली सॉस है। अच्छा, इसका जो है ना चिली सॉस का टेस्ट वो भी अच्छा आता है चाइनीज़ वाली का, हर चीज़ का अपना स्वाद है। और जो ओरिगैनो है वो चिकन में भी डाला है, वाइट सॉस में भी, और ऊपर से गार्निशिंग में भी ओरिगैनो होगा, तो उसका भी टेस्ट आता है। ये जब कैचअप आ गई, कैचअप मैं थोड़ी डलवाता हूँ, क्योंकि वो चिली गार्लिक सॉस ज़रा बेटर है, तो ये असल चीज़ है, जो जितनी मर्ज़ी डालो ठीक है, मतलब असल चीज़ हमारा चैडर चीज़। ये देख सकते हैं आप, चैडर चीज़ आ गई, हाय हाय, ये फिर प्लेट भर के माशाल्लाह आ गई, माशाल्लाह,
मैं कहना सुभान अल्लाह, रौनक लाई अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये चीज़ से इसको एक दफ़ा भर दिया जाएगा फुल लेयर ओ लेयर, और फिर जाके सेकंड लेयर कंप्लीट होगी, फिर ऊपर वो शिमला मिर्च आएगी, यानी कैप्सिकम कहते हैं, कैप्सिकम इंग्लिश में है ना, कैप्सिकम मेरा ख्याल है, बेल पेपर भी कहते हैं, कैप्सिकम भी कहते हैं, हैं तुसी दसो, चलो जो भी कहना। अब ये चीज़ दूसरी दफ़ा डाल रही है, और उसके बाद जो है ना वो टॉपिंग शॉपिंग होगी। हाँ बाजी वाह, मैं तो देख शक्ल देख भूख लग रही है, अभी इसकी शक्ल तो असल निकलनी है बेक होने के बाद। ये देखें शिमला मिर्च भी आ गई इसकी टॉपिंग में, वाजी वाह। अभी ये ओरिगैनो आएगा इस पर, देखें ये ओरिगैनो आ गया, इसका जो खुशबू और देखा ना, हाँ हाँ। अब आपको स्वाद लेते हैं फिर बताते हैं। हाँ जी पास्ता बन रहा है भाई साहब, सारा चीज़ ही पास्ता। और मामा बना रही है पास्ता व्हाइट चीज सॉस वाला मेरे लिए, शेर आपने तो नहीं खाना, मुझे खा दो, मुझे मजेदार लगता है, मजेदार लगता है, चलो फिर खा कर खाते हैं ये बनता तो ठीक है। ये देखें जी, अब आप देख सकते हैं पास्ता बेक हो गया, एक ट्रे आ गई है, दूसरी भी आनी है थोड़ी सी, वो 5-10 मिनट वो कह रही है मैं ज़रा ठहर के आऊँगी, क्योंकि एक को पहले रख दिया था बेक करने, एक बाद में। तो इसकी शक्ल आप देख सकते हैं, ऊपर से वो पक पक चुकी है चीज़ चीज़, मतलब वो क्रिस्पी हो चुका है मामला, और नीचे वो नरम मुलायम सा पास्ता। ये ज़रा थोड़ा सा सिनेमैटिक्स भी कर लें, मतलब थोड़ा साइडों सूडों से दिखाएँ आपको ट्रे को, क्योंकि बाद में तो इसके हमला हो जाना। ये देखें लाइट ऑन करके चेक कर, आह हाँ, अब इसको खाते हैं एंजॉय करते हैं। मनो मेरे साथ बैठ खा रही है ना, मजेदार है मनो, मजेदार है भाई, बहुत मजेदार। चलो क्या है देखो भाई, मनो ये तो बहुत मजे का, अम्मी ने बहुत मजेदार बनाया है चीजी। ये जी दूसरी ट्रे भी आ गई है, दूसरी ट्रे जो है ना वो उसकी गहराई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है, लेकिन वो भी बड़ी बेहतरीन लग रही है। तो दोनों से खा के देखते हैं, तो एक ही चीज़, लेकिन मतलब ये दूसरी आ गई अब, और बेगम साहब भी आ गई, अब वो खाने लगी, तो मैं उनके साथ भी खाता हूँ, उनको भी कंपनी तो देनी है ना खाने में। वाह जी बस वाह, लुकमान लेके इनो को दो, तू लगा ऊपर आ गई दोनों पर, अबे गर्मो बेसो के दे। हां मैं दस दूं ना, बिस्मिल्लाह। ये दूसरा आ गया ही बन के, हैं दूसरा आ गया है ना, मजेदार भाई, बहुत मजेदार। गरम चलो।